काइन मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सही वीडियो पे आए हैं, सही वीडियो को आपने क्लिक किया है। इसमें मैं आपको बारीकी से एक एक स्टेप को आप लोग कैसे फिलअप करते हैं, किस तरह से आपको कटिंग करना है वीडियो को, किस तरह के आपको ऑडियो उसमें डालना है, किस तरह से आपको उसमें रिकॉर्डिंग करना है अपने वॉइस को, सारा चीज़ मैं काइन मास्टर को चलाने के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। काइन मास्टर का फुल ट्यूटोरियल है, समझ लीजिए एक प्रकार से। और काइन मास्टर अगर आपके पास नहीं है, विदाउट वाटर मार्क जो काइन मास्टर होता है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, वहां से आप विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, काहे कि काइन मास्टर का ट्यूटोरियल ही बहुत बड़ा होता है, उसमें मैं आपको एक एक बारीकी से समझाऊँगा तो ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, ये मेरा काइन मास्टर है। काइन मास्टर पर जैसे मैं क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव किया हुआ है, जिस पे मैंने काम कर रहा हूँ और काम करके उसको मैं अपलोड भी कर दिया हूँ। तो ये सब चीज़ को आपको नहीं देखना है, आपको क्लियरली डायरेक्ट आना है न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे आए, यहाँ पे देखिए सारा रेशियो आपको दिखा दे रहा है 16:9। ये है आपका जो कि यूट्यूब का जो बड़े वीडियो होता है, जो कि फुल स्क्रीन पर चलता है, ऐसे लंबाई होता है, वो वीडियो के लिए ये रेशियो है। और अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, जैसे कि शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल दिन भर आप लोग करते हैं, करते हैं कि नहीं, हाँ, तो अगर शॉर्ट वीडियो आपको बनाना है तो यहाँ पे आना है 9:16। ये आपका शॉर्ट वीडियो हो गया, जो कि लंबे होता है वीडियो, तो ये शॉर्ट वीडियो वाले वो कॉलम है, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम इन सब पे अगर वीडियो और रील वगैरह आप बनाते हैं, तो उसमें 1:1 का रेशियो पे जो है ना आपको वीडियो बनाना है, तो ये रहा 1:1। मैं विशेष करके तीन ही जो वीडियो का साइज होता है, जो कि वीडियो का वो फ्रेम होता है, तीन ही फ्रेम के बारे में बताता हूँ, इसके अलावा आप छोड़ दीजिए। अभी फिलहाल मैं शुरू करता हूँ बड़े वीडियो वाले, जो बड़े वीडियो होता है उस वाले रेशियो पे जो है ना काम करना शुरू करता हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 16:99 वाले जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया, पर मीडिया वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो ये पहला परत हो जाता है, जो कि आपका फर्स्ट वीडियो मतलब वो बैकग्राउंड आता है, वहाँ पे आप वीडियो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे बता दिया मैंने, इस वाले बैकग्राउंड को ले लिया। अगर बैकग्राउंड जैसे छोटा पड़ रहा है तो इसको हमें जूम करना है, जूम करके कुछ कार्टेज में से जैसे इसको बड़ा दिखाना है मुझे, तो इसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक के इधर साइड लिखा है पेन एंड जूम, इस पर क्लिक करेंगे और दोनों हाथों से इसको ऐसे स्क्रॉल करना है। देखिए स्क्रॉल के ये बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है ना, अब ये क्या है ना, इस तरह से है कि जैसे बड़ा से डायरेक्ट छोटा होते रहेगा, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी मैं बात बताता हूँ इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप अगर एक और सेटिंग नहीं करेंगे तो ये क्या है ना, बड़ा तो हो गया फिर लास्ट में जाके छोटा हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना, अगर ऐसा रखना है तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहा बहुत सारे वीडियो में ऐसा होता है कि बड़ा से डायरेक्ट उनको छोटा करना होता है तो ये चलेगा, तो लेकिन हमें क्या है ना, बैकग्राउंड को सेम कंडीशन में रखना है, जैसे बैकग्राउंड है उसी तरह रखना है। तो यहाँ वाले दो जो है ना एरो वाला क्लिक पर कर दिया है, तो अभी ये क्या है ना, दोनों जुड़ गया, मतलब सेम शुरू से लेकर लास्ट तक सेम पोजीशन रहेगा। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, बैकग्राउंड स्टेबल हो गया, मुझे भी यही बैकग्राउंड पे वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या है ना, कोई भी एक प्रोजेक्ट ऊपर से लेना, जो वीडियो मैंने बैकग्राउंड पर्दे जो कि ग्रीन पर्दे पे या कोई और कलर का पर्दे होता है, अगर उस पर्दे पर बनाए हैं वीडियो ग्रीन पर्दे पे, तो ही उस पर आपको ये वीडियो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस पर जो है ना ग्रीन बैकग्राउंड वाले जो है एक वीडियो को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है लायर, लायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल जाता है, तो यहाँ पे क्या करना, फिर यहाँ से एक और मीडिया वाला ऑप्शन आता है, तो मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको वो प्रोजेक्ट लेना है जिस पे आपको अभी काम करना है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे ले लिया, ये 2 मिनट वाले वीडियो है, इस वाले वीडियो को मैं इस पे क्लिक कर लिया और इस वाले वीडियो पे क्लिक किया। अब इसको क्या है ना, इसको इसके हिसाब से इसको ये कोने वाला एरो पे क्लिक करके हमें इसको बड़ा करना है, बड़ा करें और छोटा करें, इसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है कितना बड़ा रखना है, जो कि आपको वीडियो में सही लगे। तो मुझे फिलहाल यहाँ बड़ा ही कर लिया, बड़ा करने के बाद पूरा फुल वीडियो में ले लिया। उसके बाद यहाँ से अगर बैकग्राउंड हटाना है, जैसे ये ग्रीन पर्दा दिख रहा है, इस ग्रीन पर्दा को मैं हटाता हूँ, तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से ग्रीन इसी पर क्लिक करना है,
जो आपने ग्रीन पर्दे वाला वीडियो डाले हैं उस वाले पर एक बार टच करना है। तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसको ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, क्रोमा की वाला ऑप्शन आता है, क्रोमा की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इनेबल करना है ये वाला ऑप्शन। इनेबल किए तो यहाँ पे देखिए ये व्हाइट हो गया, जो आप जो चीज आपको जो है ना दिखाना है वो व्हाइट हो गया, जो चीज गायब करना है वो ब्लैक हो गया। तो जो चीज दिखने लायक है तो वो व्हाइट हो गया है, तो ये लेकिन क्लियर व्हाइट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है ना, आधी जो है ना आपके परछाई पे ये ग्रीन वाले पर्दा दिखेगा, इसीलिए इसको फुल व्हाइट करना है। व्हाइट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे डिटेल कवर ये लिख रखा है, जो डिटेल आपको बाकी है उसको भी कवर करने के लिए यहाँ पे इसको सर्कल को जो है ना ऊपर नीचे करके देखेंगे। ये नीचे की तो ब्लैक हो रहा है, मतलब ये भी गायब होते जा रहा है, आपको इसको व्हाइट करना है। ये देखिए अब ये फुल व्हाइट हो गया, देखिए थोड़ा रह रहा था इधर, तो हमको इसको ऊपर करें, इधर कोना मिलेगी, ये देखिए फुल व्हाइट हो गया। मेरा जो एरिया है, हाथ दिख रहा है, मेरा चेयर दिख रहा है, ये सारा व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया। व्हाइट होने के बाद यहाँ पे एरो पर क्लिक करना है, कर दिए, फिर दोबारा एरो पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरा अब फोटोज यहाँ पे आ गया। अब क्या है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, जैसे कि ये वीडियो जो है ना अच्छी तरह से क्वालिटी में नहीं आया था, थोड़ा आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना चेहरा को जो है उभारना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे लास्ट नीचे आएंगे, तो इसके बाद है ना यहाँ पे लिख रखा है एडजस्टमेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख रखा है, इस पे क्लिक किए आप इसको जो है ना, इस अब अलग अलग फिल्टर है, इसमें जो है ना आपको अपने हिसाब से सेटिंग करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा व्हाइटनेस बना दिया है, या घटाना चाहेंगे थोड़ा व्हाइटनेस बढ़ा दिया है, 5% सही है, व्हाइटनेस बढ़ा दिया। उसके बाद व्हाइटनेस 5% बढ़ा दिया, कॉन्ट्रेक्ट जो भी यहाँ पे इसको आपको जो थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे करके देखना है, ये थोड़ा आपको जो लाइट दे रहा है, तो आपको इसको भी क्लिक करके कुछ बढ़ा लीजिए ऊपर अपने हिसाब से, अपने हिसाब से बढ़ाना है, कहे कि आपको दिखना है, आप वीडियो में आए हैं, आपको दिखना है, आपको कैसे दिखना है, नहीं उसके हिसाब से बढ़ा लीजिए। मैं एक नॉर्मल क्वालिटी की वीडियो ले आऊँ आपके सामने, उसको मैं सही कर रहा हूँ, उस वीडियो को मैं आपको नॉर्मली ऐसे सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे जो है ना आप में इंप्रूव हो जाएगा जब इसको आप करते रहेंगे। तो चलिए मैं इसको एरो वाला बटन पे क्लिक करके मैं बैक आता हूँ, ये है बैक, आ गए, अब इसको मैं चलाता हूँ। हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अगर देखिए यहाँ पे ये चल रहा है, अब लग रहा है कि ये सही चल रहा है। मैं इसे नॉर्मली इस वीडियो को पूरा बना नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए आया हूँ। तो इसमें से जैसे हमें कुछ भाग काटना है, यहाँ पे काटना है इस वीडियो को, या बैकग्राउंड का काटना है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करना, मुझे वीडियो को काटना है तो इस पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पे ट्रिप एंड स्प्लिट वाले ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया, तो उसके बाद अगर इधर साइड से हटाएंगे तो इधर वाला जो है ना, यहाँ से एरो वाला ये गायब हो जाएगा, ये देखिए गायब हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं करना है, तो मैं यहाँ से बैक करना, बैक भी ऑप्शन देख लीजिए। जैसे आप कोई गड़बड़ कर दिए वीडियो बनाने क्रम में, कोई गलती कर दिए, तो यहाँ बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो सारा चीज आ गया। देखिए मैंने जो कटिंग किया था वो आ गया, तो इसीलिए आपको जाने इधर साइड से ट्रिम करते हैं तो ये कट गया इधर साइड वाले, अगर ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इधर वाले जो वीडियो है वो सारा गायब हो जाएगा, सारा इधर वाले कट जाएगा। तो उसके बाद अगर 20 से मुझे निकालना है, 20 से अगर कट करके कुछ निकालना है बातें, जिसमें कि कुछ गलतियां हो गया, मुझे बोलने में कुछ मिस्टेक हो गया, उस चीज़ को अगर कटिंग करके निकालना है तो क्या करना है, पहले नीचे वाला जो है ना स्प्लिट वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक किए, ये बीच में कट मार के लग गया, उसके बाद वीडियो और चलाना है यहाँ से। हेलो दोस्तों, अगर चलिए मुझे हेलो दोस्तों को निकालना है, ना हेलो दोस्तों को निकालना है, तो यहाँ तक मैंने चला लिया, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे रुका, यहाँ से मुझे बीच वाला ऑप्शन हटाना है, तो फिर इस बार नीचे वाला सेलेक्ट करना है, उसके बाद इधर साइड वाला हटाना है, तो इस पर क्लिक किया तो ये बीच वाला हट गया, अब यहाँ पे बीच में गैप आ गया। अगर इस वीडियो को इसमें सटाना है तो इस पे मुझे दबाए रखना है, जैसे मैंने इस वीडियो को यहाँ से इधर सटाना चाहे इसको इधर सटाना है, इसको इधर सटाना, इस पे क्लिक दबाए रखेंगे और उसके बाद ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ये इधर सरक जाएगा, यहाँ पे चिपका देंगे तो ये चिपक गया। तो उसी तरह से इसको मैं इधर कर लेता हूँ और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, इधर सटा दिया। तो अब इसके बाद मैं इसको चलाऊंगा, देखिए आप भी यूट्यूब पे काम कर, देखिए हेलो दोस्तों गायब हो गया ना इस बीच से है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कटिंग करना है इस तरह से। अगर आपको अलग से कोई म्यूजिक ऐड करना है, जैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है या किसी गाने को ऐड करना है, बहुत सारे लोग क्या होता है ना फोटोज वगैरह को भी डाल करके वीडियो बनाते हैं, तो मैं फिलहाल ये बना रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको कोई म्यूजिक वगैरह डालना है
तो म्यूजिक डालने के लिए यहाँ पे देखिए ऑडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके फोन में जो है ना जिस भी एल्बम में आपका म्यूजिक होगा म्यूजिक को वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं से एल्बम नहीं, नीचे जाकर फोल्डर वाला ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन है, डाउनलोड वाला ऑप्शन पे जा गए तो ये डाउनलोड वाला फाइल मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे जो भी मैंने डाउनलोड किया बैकग्राउंड या आपके पास गाने होगा उस गाने को पहले चला लीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए ये बजने लगा, तो आपको क्या है ना यहाँ पे मैंने बंद कर लिया। फिर अगर ये नहीं है गाना वो, तो नेक्स्ट वाला सेलेक्ट कीजिए, ये भी नहीं है तो नेक्स्ट वाला सेलेक्ट कीजिए। आप अपने हिसाब से यहाँ से उनको पहले सुन लीजिए कि हाँ ये वाला जैसे बैकग्राउंड या ये वाला गाने को आपको उस वीडियो में यूज़ करना है, तो आप उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे इसको क्लिक कर लेंगे तो ये जो है ना यहाँ पे आ गया। अगर इसको भी आप उसी तरह से कट कर सकते हैं, इसमें से भी अगर कुछ कटिंग करके निकालना चाहते हैं इधर से तो वो कट कर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से सेम प्रोसेस से ये भी ऑडियो ट्रैक भी कटेगा। हाँ, उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, काट छाँट कर निकाल सकते हैं, तो वो पता चल गया। और हाँ, अगर इसमें से जैसे आपका वॉइस, मेरा वीडियो में वॉइस है और आपको इसको कम करना है तो इस पर क्लिक करना है, जो आपने अभी ऑडियो लगाया जो बैकग्राउंड वाले म्यूजिक लगाया इस पर क्लिक करना है। अब इसको कहना हमें कम रखना है, कहे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा आवाज़ ज़्यादा सुनाई देना चाहिए लोगों को और बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है वो कम। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे क्या है ना, ये देखिए मिक्सर वाला ऑप्शन आ गया जो साउंड वाले ऑप्शन है, इस पर क्लिक किए और यहाँ जो है इसको हम कर लेते हैं 30% या तो 20%, 30% कर लिया। और अगर जिसमें मैं बात कर रहा हूँ उसका आवाज़ अगर कम है, जिससे मैं बोल रहा हूँ जो वीडियो मेरा ऑलरेडी ओरिजिनल वीडियो है उसमें से मैं बोल रहा हूँ, तो उसको आवाज़ अगर बढ़ाना है तो ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना है, ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको आवाज़ को बढ़ाना है। तो उसमें क्या करना, उसमें भी यहाँ पे ये देखिए नीचे लिख रखा है मिक्सर, इस पर क्लिक करेंगे तो और यहाँ से जो है ना आपको उसको 100% कर दीजिए, उसके बाद आवाज़ देखिए कितना तेज हो जाएगा कर रहे हैं। अगर आप भी YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, आवाज बढ़ गया तो यहाँ से आप लोग उनका आवाज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने फोटोज वगैरह कोई ऐड करना है, कहे कि आपको कुछ यहाँ पे दिखाना, जैसे सब्सक्राइब का बटन इधर मैं लगा दूंगा चाहे इधर लगा दूंगा, तो वो कैसे लगते हैं, तो यहाँ पे फिर लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया वाला ऑप्शन पे जाएंगे तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो जहाँ पे आपको कोई फोटोज वगैरह होगा है उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे लाइक एंड सब्सक्राइब वाला है, फोटोज ले लिया मैंने, ये फोटोज ले लिया, इसको भी क्या करना, अगर इसको क्रॉप करना है तो क्रॉप वाला ऑप्शन पे यहाँ पे देख लिए क्रॉपिंग लिख रखा है, क्रॉपिंग वाले इस प्लस वाला आइकन पे ऐसे इसे ऊपर इसको जैसे पर्दा उठाते हैं ना उस तरह से इसको क्रॉप कर पाएंगे, तो मैं यहाँ तक क्रॉप कर लिया, नीचे क्रॉप कर लिया और इधर साइड से साइड भी क्रॉप कर लिया है, साइड भी क्रॉप कर लिया, यहाँ तक क्रॉप कर लिया है, ये देख पा रहे हैं। उसके बाद ये वाला एरो वाला पे क्लिक करके बैक आ गए। अब इसको कहाँ पे रखना है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिए, यहाँ पे आगे पीछे कर लीजिए, इसको उंगली रख करके आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्ट कर लीजिएगा जहाँ भी इसको आपको माउंट करना पड़ेगा या जहाँ भी इसको रखना है। उसके बाद अगर इसको छोटा या बड़ा करना है तो ये वाला एरो पर क्लिक करके आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या इसको थोड़ा रोटेट करना है, थोड़ा घुमाना या टेढ़ा तिरछा करना है, ये वाला ऑप्शन पर जा करके इसको ऐसे टेढ़ा तिरछा कर सकते हैं, आप तो टेढ़ा तिरछा कर सकते हैं। उसके बाद चलिए ये काफ़ी है, इसको आपको कहीं एक साइड में रख देता हूँ। चलिए यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन, लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन मैंने लगा दिया। उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे कोई भी टैग्स हमें लिखना पड़ता है, कोई भी टैग्स लिखना पड़ता है, जैसे कि लाइक एंड फॉलो, प्लीज लाइक एंड फॉलो, या जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं या वीडियो के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं कि आपको दिखना चाहिए कि वीडियो में कुछ लिखा होना चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करना है, तो फिर आपको लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नया लेयर लेते हैं, लेयर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद टैक्स वाला ऑप्शन पे जाना है, टैक्स वाला ऑप्शन पे गए, टैक्स वाला ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं चलिए एक लिख कैसे लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं इतना नॉर्मली लिख लिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ओके वाला बटन पे क्लिक कर लेंगे, इसको फॉन्ट को बड़ा करिए, हाँ फॉन्ट बड़ा हो गया, इसको आपको जहाँ भी रखना है उसके हिसाब से ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कर पाएंगे, ठीक ना। तो मैं अभी फिलहाल आपको यहीं पे इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर इसको नीचे कर देता हूँ। और इसके बाद इसमें अगर कलर भरना है, कौन सी कलर रखना है, तो जैसे वाइट है ठीक है, ये यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका फॉन्ट का।
उसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का जो है ना, अगर फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कलर आप ले लेंगे, कलर ले लेंगे, उसके बाद क्या करना है, इस वाले जैसे टैक्स आ रहा है, टैक्स वगैरह आपको कैसे दिखाना है, जैसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए इन एनिमेशन, जैसे ये स्टार्ट हुआ तो वो ऊपर से आके गिरा, या टैक्स ये इधर से साइड से बना, यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ देख रहे हैं लिखा रखा है, जैसे पीछे से आया, इसका आगे से आया, या लेटर इधर साइड से आया, साइड अप, ये सारा चीज़ लिख रखा है, तो आप इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं लेटर बाय लेटर वाले लिख लेता हूँ, लेटर बाय लेटर मतलब ऐसे अक्षर बाय अक्षर लिखा रहा है। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, जैसे कि आपको कुछ बोलना है, जैसे कि वॉइस ओवर करते हैं किसी वीडियो में, तो ये देखिए रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने वाले स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पे बोल सकते हैं, हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर बिहारी, टेक म्यूजिक बिहारी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद स्टॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद मैंने जो रिकॉर्ड किया, तो उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको जो है ना, जो काम आने वाले चीज़ है, उन सारे चीज़ के बारे में जो कि काइन मास्टर का और ट्यूटोरियल होता है, जो कि बेसिक जानकारी होता है, जिसके कारण से आप वीडियो एक बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे, वो सारे चीज़ का जानकारी दे दिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना ईमानदारी से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत।